जो दिखता है वो बिकता है, बिकता भी उसी का है जो बोलता है, और बार बार उसी का बिकता है जो सच बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आप लोग देख रहे हैं द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर या फिर कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जिसके वजह से आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता ये है कि जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक फ्रेशर ज्वाइन करता है तो होता ये है कि हम उस कंपनी के प्लस पॉइंट को देखते हैं और हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं, और सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद हम जब भी किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो प्लस पॉइंट ही सिर्फ अपने चीज़ों के बारे में बताते हैं और नेगेटिव या फिर माइनस पॉइंट जो होता है वो हम लोग शेयर नहीं करते। और हमें क्या लग रहा होता है कि हम सिर्फ प्लस पॉइंट बताएंगे तो हमारा सामान जल्दी निकल जाएगा बजाय माइनस पॉइंट बताने के। लेकिन अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो दो तरीके के चीज़ें हैं, पहला प्लस पॉइंट और दूसरा माइनस पॉइंट। अगर हमारे अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि वो जहाँ भी वर्क कर रहा है तो उसमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी, अगर सामने वाला कस्टमर ऐसा फीडबैक दे रहा है कि वो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है या फिर वो प्रोडक्ट उसको नुकसान कर गया है या फिर कुछ उसके संग माइनस चीज़ें हो गई हैं, तो हमें ये मोटिवेशन नहीं देना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के पर्पज से या फिर कुछ और रिकमेंड करने के पर्पज से हमें हमेशा काम नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो समस्या आई है हमको उसको समझना पड़ेगा और जो समस्या आई है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है उस केस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हो सकता है प्रोडक्ट हमारा सेल ना हो या फिर जिस पर्पज से हम गए हैं वो चीज़ ना हो, लेकिन प्रॉफिट ये मिलेगा कि अगर हम थोड़ा सा उसको माइनस पॉइंट बता करके प्लस पॉइंट बता करके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें तो उसको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा कि हाँ भाई, ये सिर्फ बेचने के पर्पज से नहीं आए थे, ये हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने आए थे जो कि ये दे चुके हैं। अब सॉल्यूशंस को लेना हमारा या हमारा काम है, अब वो उनका नहीं। तो इस पर्पज से अगर हम वर्क करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरी चीज जो मैंने लाइन बोली कि जो दिखता है वही बिकता है, तो मतलब कि ये कि जब एक इंसान फील्ड में अगर जाता है, कोई भी वर्क करता है, जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि पर्टिकुलर प्लेस पे हम वर्क करते हैं या किसी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी पर्टिकुलर जगह पे हम वर्क करते हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम करते क्या है, और वो हो सकता है कहीं और थर्ड पार्टी के माध्यम से वो आपके बिजनेस में या फिर आप जिस भी किसी MLM कंपनी में होंगे ज्वाइन कर जाए। अगर हम उस व्यक्ति को पहले से बता देते हैं और हम उसको बता देते हैं कि भाई हम भी काम करते हैं ऐसा, तो आप हमारे संग भी जुड़ सकते हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम पे वो हमारे साथ जुड़ जाए। दूसरी चीज, बिकता भी उसी का है जो जो बोलता है। अगर हम फील्ड में जाते हैं और काम करने के लिए हम सामने कोई कस्टमर देखते हैं और हम उससे बात नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम उसको समझा ना पाए, और जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि हम कुछ काम करते हैं जिसके वजह से उसको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तीसरी चीज, बिकता भी उसी का है जो बार बार बोलता है और सच बोलता है। मतलब कि जो अगर आपको कोई भी चीज़ एक बार बेचनी है तो उसको झूठ बोल करके आप किसी भी तरीके से सेल करके आप निकाल देंगे, लेकिन अगर आपको परमानेंट चाहिए कि परमानेंट आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाए तो सच बोलना पड़ेगा, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट बताना पड़ेगा, और प्लस और माइनस पॉइंट बताने के साथ आपके बिजनेस में क्या माइनस है, आपके बिजनेस में क्या प्लस है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताइए और दोनों का सॉल्यूशन दे दीजिए कि यहाँ पे आप जाइए, इस तरीके से वो काम करके वो आगे चला जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ प्लस पॉइंट बताना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, पहले नेगेटिव पॉइंट बताइए सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, और उससे आप पूछिए कि आप इस नेगेटिव फेस को
झेलने के लिए तैयार हो सकते हैं? अगर वो तैयार है तो उसको पॉजिटिव प्लस पॉइंट बताइए, मोटिवेशन दीजिए और वो आगे उसको बढ़ाइए। क्योंकि स्टार्टिंग में होता ये है कि जब हम प्लान दिखाते हैं किसी भी कंपनी में आप अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन और प्लस पॉइंट ही बताया जाता है, नेगेटिव फैक्टर नहीं बताया जाता है। कैलकुलेशंस हम बताते हैं कि आने वाले 10 साल में आप 2 लोग को भी जोड़ेंगे साल भर में तो इतने लेवल पे आप इतने लेवल पे पहुंच जाएंगे इतने सालों में, लेकिन हम उसका माइनस नहीं बताते हैं अपनी कंपनी का, जिस भी कंपनी में हम जुड़े होते हैं, जिसके वजह से जब बंदा ज्वाइन करता है हाईली एक्साइटेड हो जाता है और जब वो सिचुएशन उसके साथ आती है तो वो नेगेटिव हो जाता है और साल 2 साल के दरमियान या 6-7 महीने के दरमियान वो छोड़ छाड़ के सब बैठ जाता है और बोलता है बेवकूफ़ बनाने का काम है। अगर आप स्टार्टिंग में ही नेगेटिव चीज़ें पूरी की पूरी बता देंगे कि इस टाइम पे आपको इस नेगेटिविटी का झेलना पड़ेगा, इस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें आएंगी, दिक्कतें, बस आपको करना ये है कि आपको टिके रहना है, तो उसके बाद आप प्लस पॉइंट बताएंगे और उसके बाद आप अपने सॉल्यूशंस को बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, तो आगे जा करके जब नेगेटिव स्टेज आएगी तो वो नेगेटिव सिचुएशन देखने के बाद बैठेगा नहीं, हाईली एक्साइटेड हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा और आगे बढ़ने के लिए डिसाइड कर लेगा और वो प्रॉब्लम्स के जगह सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा और आगे काम जब करेगा तो उसका बेनिफिट होगा। और जब अगर आपके वजह से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 या 1,00,000, 2,00,000 तक भी पहुंच गया, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, तो वो आपको आगे आने के टाइम पे दुआएं देगा, न कि बददुआएं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ें थी जो कि आप लोगों से शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ दिमाग की घंटी बजाना ज़रूरी है, तो बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इतने देर तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।